हेलो फ्रेंड्स तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा बहुत ही बढ़िया मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव है और वो भी है एक बहुत ही बढ़िया ग्रुप में जो है श्याम मेटेलिक्स श्याम मेटेलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड एक बहुत ही बढ़िया ग्रुप है लीडिंग ग्रुप है और इनकी जो यूनिट्स हैं वो उड़ीसा में भी है और वेस्ट बंगाल में भी लोकेटेड है तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसीज की कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में है पैलेट और बेनिफिकेशन में है मैकेनिकल में रिक्वायरमेंट है ऑपरेशन में इलेक्ट्रिकल में क्यूसी में सब में रिक्वायरमेंट है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैकेनिकल में इंजीनियर सीनियर इंजीनियर फिटर फोरमैन की रिक्वायरमेंट है ऑपरेशन में बॉइलिंग डिस्क ऑपरेटर थिकनर ऑपरेटर टीजी ऑपरेटर सीआरओ बॉल मिल ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिकल में सीनियर इंजीनियर इंजीनियर सीनियर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है कि उसी में इंचार्ज सीनियर केमिस्ट और केमिस्ट की रिक्वायरमेंट है डीआरआई डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें तो मैकेनिकल में इंजीनियर सीनियर इंजीनियर रिगर फोरमैन और फिटर की रिक्वायरमेंट है ऑपरेशन में इंजीनियर सीनियर इंजीनियर सी फील्ड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिकल में सीनियर इंजीनियर इंजीनियर सीनियर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है जबकि क्यूसी में सीनियर केमिस्ट और केमिस्ट की रिक्वायरमेंट है तो फ्रेंड्स इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड पर एसएमएस की बात करें तो मैकेनिकल में इंजीनियर सीनियर इंजीनियर फिटर पंप ऑपरेटर टर्नर की रिक्वायरमेंट है ऑपरेशन में इंजीनियर सीनियर इंजीनियर शिफ्ट इंचार्ज की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिकल में सीनियर इंजीनियर इंजीनियर सीनियर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है कैप्टिव पावर प्लांट में भी मैकेनिकल में इंजीनियर फिटर फोरमैन और आई बी आर वेल्डर की रिक्वायरमेंट है ऑपरेशन में डी सी एस इंजीनियर टर्बाइन इंजीनियर शिफ्ट इंचार्ज बॉयलर ऑपरेटर फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास दोनों के लिए है ई एंड आई में सीनियर इंजीनियर इंजीनियर सीनियर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन फोरमैन की रिक्वायरमेंट है और स्विच यार्ड में सीनियर इंजीनियर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है डी एम प्लांट में केमिस्ट सीनियर केमिस्ट और ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है बात करें फंक्शनल सपोर्ट डिपार्टमेंट में तो परचेस ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर मिनिमम थ्री ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए डिस्पैच ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है जिसे सैप आए और अकाउंट्स में डिप्टी मैनेजर की रिक्वायरमेंट है और मैनेजर की रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट सेल हेड के लिए भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर अकाउंट ऑफिसर के लिए भी रिक्वायरमेंट है और कॉस्टिंग हेड के लिए भी रिक्वायरमेंट है इन सभी सपोर्ट फंक्शनल पोस्ट के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस लिखा हुआ है आप देख सकते हैं तो अब बात करते हैं आखिर आपको अप्लाई कैसे करना है कैसे यहाँ पर अपना रेज़्यूम या फिर सीवी सेंड करना है तो यहाँ पर एक ईमेल आईडी है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस ईमेल आईडी पर आप अपना सीवी या फिर रेज्यूम जो है वो सबमिट कर दें और नीचे में एक नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं तो इस तरह से आप अगर अपना रेज्यूम और सी को वहाँ सबमिट करेंगे तो वो वो इन्हें चेक करके शॉर्ट करेंगे और आपको इंटरव्यू के लिए उसी के थ्रू बुलाया जाएगा तो दोस्तों जल्द से जल्द आप अप्लाई कर दें इसके लिए और अपने फ्रेंड्स लोग को भी इस बात को शेयर कर सकते हैं जो कि वहाँ जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर एक परसेंट भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा